ओम शांति। 23 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। नंबर 2, दुनिया में हर मनुष्य परमात्मा को सर्वव्यापी भी कहता है और नाम रूप से न्यारा भी कहता है, इसलिए दर दर धक्के भी खा रहा है। परमात्मा कहते, अगर वो नाम रूप से न्यारा ही है तो तुम्हें मिलेगा कैसे? तुम ढूंढोगे किस लिए, किसको ढूंढोगे? अब तुम बच्चों को समझ में आया है परमात्मा कौन है, कहाँ है, तो तुम्हारा भटकना छूट गया है। नंबर 3, हम आत्माओं को अभी संपूर्ण ज्ञान मिला है कि हम आत्मा शरीर के कान रूपी ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं, और परम पिता परमात्मा भी परम धाम से आया है, और वो भी ब्रह्मा तन में आकर के उनके ऑर्गन्स द्वारा हमें सुना रहा है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के कहा, अपने बाप को याद करो, यानी शिव बाबा को याद करो। नंबर 4, शिव बाबा स्वयं कहते, मेरा एक ही नाम है शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। बाकी नाम मनुष्यों ने मेरे बहुत रख दिए हैं। मैं सुप्रीम आत्मा, ऊंचे थे ऊंची आत्मा, इसलिए परमात्मा कहा जाता है। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। नंबर 5, 3 लोक होते हैं। एक है ये स्थूल वतन, जहाँ हमारे शरीर, बोलचाल की भाषा। दूसरा है हमारा सूक्ष्म वतन, जहाँ मूवी यानी इशारों की भाषा चलती है। तीसरा है हमारा साइलेंस वर्ल्ड, शांति धाम, वहाँ पर कोई बातचीत नहीं होती है। तो साइलेंस, मूवी और टॉकी, यहाँ बातचीत होती है। ये तीनों लोकों के बारे में हम बच्चों को बाबा ने समझाया है। नंबर 6, इस समय हमें शिव बाबा की श्रीमत मिल रही है। श्रीमत भगवानों वाच कहा जाता है। उनकी ही मत से मनुष्य देवता बनते हैं। अभी देवता धर्म नहीं है, लेकिन निशानियाँ उनके चित्र में ज़रूर दिखती हैं। तो ये सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमात्मा अभी आके कर रहे हैं, तो हमें उनके श्रीमत पर चलना है। नंबर 7, कुंभ का मेला लगता है तो बहुत भीड़ होती है। इलाहाबाद में भी त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी ये कोई संगम तो है नहीं, संगम तो होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है। दो नदियाँ मिलती हैं, वह फिर कह देते हैं तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी तो कोई होती नहीं है, है ही दो नदियाँ, देखने में भी दो ही आती हैं। एक का पानी सफ़ेद होता है, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं, गंगा और जमुना है। कलकत्ता में भी सागर और ब्रह्मपुत्र मिलती है ना। नंबर 8, पतित पावन भी परम पिता शिव परमात्मा को ही कहेंगे। अब पतित पावनी परमात्मा कैसे हो सकता है? बरसात का पानी उसको पतित पावनी तो नहीं कह सकते हैं। बादल फिर सागर से पानी खींच लेते हैं, पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता है। पतित पावन सीता राम गाते हैं, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाने वाले आओ, हम पर रहम करो। नंबर 9, आत्मा के लिए कहा जाता है भ्रकुटी में चमकता है अजब सितारा। मस्तक पर ही तिलक लगाते हैं, छोटी सी बिंदी आत्मा जिसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुंदा हुआ है। आत्मा ही कहती, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती हूँ। नंबर 10, इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, इसलिए उसे वर्ष वर्ष जलाते हैं, क्योंकि रावण हमें श्राप देता है और फिर राम हमारा मित्र है। बाबा कहते, देखो कभी राम जो सुख देने वाला है, कभी उनका चित्र बना के जलाते नहीं हैं, क्योंकि वह सुख देता है, दुख देने वाले को ही जलाया जाता है। तो ये राम राज्य नहीं, रावण राज्य है। राम राज्य शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं, इसके लिए हमें हिम्मत रखनी है, नष्टो मोहा बनना है। अच्छा, आज का वरदान, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ ही है हर शक्ति। जिस समय आह्वान करो वह शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया हाजिर, ऐसे ही नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं,
ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े। स्लोगन है, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति। आज का स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।